इस वीडियो के अंदर आई एम गोना बी गोइंग ओवर एक्सैक्टली हाउ कैन यू गैस गेट क्लाइंट्स आप किस तरह अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं आप किस तरह एज अ फी आंसर अपने लिए लीड जनरेशन कर सकते हो थ्रू इंस्टाग्राम थ्रू डिस्कॉर्ड थ्रू एक्स एंड उसके साथ साथ आई एम गोना बी टेलिंग यू गाइज एक्टली आप किस तरह एज अ अंसर ट्रांजेक्शन कर सकते हो टू एजेंसी ओनर एंड क्या ऑपरेशन के विच हैव टू अंडरस्टैंड इफ यू वॉन्ट टू मेक दैट ट्रांजेक्शन वेरी वेरी सक्सेसफुल सो अगर आप अभी इस वक्त एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कुछ नहीं पता कि क्या होती है या फिर अगर आपको ये पता भी है कि फीलानसिंग क्या होती है बच्चों शू कन्फ्यूज के, के मैं क्लाइंट्स कहाँ से हूँ, या फिर मैं किस तरह ग्रो करूँ तो दिस वीडियो कैन बी दन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू हैंस वाई इट्स सो लॉन्ग सो वॉट टिल द वेरी वेरी एंड एंड आई यो यू कि आपको कुछ ना पता होने से टिल द पॉइंट के जहाँ तक आपको सब कुछ पता होगा कि अगर आप कल को लोगों में बैठे हो कि जिन लोगों को बड़ा पता है टेक्नोलॉजी का तो आप भी उसमें अपना एक आधा पॉइंट डाल सके जो गाइस करना एक्जैक्टली कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है क्या चल रहा है इस टेक् दुनिया के अंदर एंड हाउ केन यू गाइज एक्चुअली एड वैल्यू टू दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड सो विदाउट दर डू लेट्स गेट स्टार्टि इन दर्स्ट मॉड्यूल जो कि हमारा पहला मॉड्यूल है एंड मैं कोशिश करूँगा मैं जितना ज्यादा उर्दू में बात कर सकूँ मैं करूँ बिकॉज टू मे शोर की यू गाइज एक्चुअली गेट वैल्यू फ्राम वट आम टेलिंग यू लेकिन अगर ना भी करूँ तो गूगल कर लेना मेरे को समझना है बट आई विल ट्राई टू मेक इट सो कि आपको समझ आ जाए मेकिंग मनी एज ए बिगेनर ये एक ऐसी लाइन है जो आजकल हर बच्चा हर लड़का हर एक बड़ा बंदा भी यही कह रहा है कि मैं किस तरह एज अ टीन एजर या फिर एज एन अडल्ट या फिर एज अ किड इवन लाइक नौ दस साल के बच्चे भी अब कहते हैं हमने पैसे कमाने हम किस तरह पैसे कमाएं बट बिफोर आई टेल यू गाइज एक्टली कि आप किस तरह पैसे कमा सकते हो आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि यू गाइज अंडरस्टैंड हाउ मनी वर्कस जब तक आपको कोई बंदा ये नहीं बताएगा कि हाउ मनी वर्क्स यू गाइज आर नेवर एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि यार ये जो पैसा जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करनी है ये आता कैसे क्या करना पड़ता है इसका लिंक आपकी मेहनत के साथ नहीं है इसका लिंक इसके साथ नहीं है कि आपकी इन नियति कितनी आप कितनी मेहनत करते हो इसके साथ कोई लिंक नहीं है इसका इसका प्योरली लिंक है ऑन योर ब्रेन एंड हाउ वेल यू थिंक एंड वट अ स्ट्रेटेजी यू डिवेलप एंड मैं आपको यह मजीद आगे समझाऊंगा अभी कि वट आई मीन बाय दैट बट एसेंशली जो पैसा होता है ना जो जो पैसा आपने कमाना है दैट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ वैल्यू दैट यू आउटपुट इन टू द वर्ल्ड मतलब आप कितना इस सोसाइटी में लोगों के काम आते हो दैट इज़ गन डिक्टेट कि आप कितने पैसे कमाते हो अगर आप किसी के काम नहीं आते हो आप पैसे कम कमाओगे अगर आप किसी के काम बहुत ज़्यादा आते हो आप पैसे ज़्यादा कमाओगे सो दैट प्योरली डिक्टेट्स हाउ मच मनी यू आर गन अबेबल टू मेक सो ना यू हैव अ स्माल मेट्रिक टू ट्रैक कि आप कितने वैल्यूबल हो आप जितने ज्यादा वैल्यूबल होगे आप उतने ज्यादा पैसे कमाओगे जितने काम वैल्यूबल होगे उतने कम पैसे कमाओगे फॉर एग्जाम्पल अक्सर लोग कहते हैं कि हम यार डेटा एंट्री सीखते रहते हैं या फिर हमें ना डेटा एंट्री आती है या फिर हमें ना वर्ड प्रेस की बेसिक्स आती है कि हम पैसे कमा सकते हैं अब जो मैंने आपको पहले बताया है वो अपने माइंड में रखना है कि मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ वैल्यू यू आउटपुट सो अगर आपको वर्ड पेस बेसिक्स आते हैं आप कितनी वैल्यू आउटपुट करोगे हाउ मच वैल्यू कैन यू आउटपुट रियलिस्टिकली स्पीकिंग अपने आप से पूछो कि हाउ मच वैल्यू कैन आई आउटपुट जितनी वैल्यू आप आउटपुट करोगे उतने पैसे आप कमाओगे अगर आपको डेटा एंट्री आती है तो कितने और लोगों को भी आती है डेटा एंट्री सो जिसकी भूख ज़्यादा होगी वो सबसे कम पैसों में काम कर देगा तो आपको कितने पैसे मिलेंगे तो आप एक प्राइस वॉर में कम्पीट करते हो जहाँ पे आप वैल्यू पे नहीं खेलते हो क्योंकि आपकी वैल्यू इतनी कम होती है वो बेसिकली मीनस क्या आप इतने पैसे नहीं कमाओगे तो जब आप ऑनलाइन लोगों को देखते हो ना जो बाईस तीस साल के लड़के कहते हैं कि वी मेड ओवर हंड्रेड थाउजेंड डॉलर तो आपको लगता है यार ये झूठ ये ही होगा ये स्कैम ही होगा बिकॉज यू काइज डोंट अंडरस्टैंड कि उन्होंने वो इतने पैसे इसलिए कमाए होते हैं बिकॉज दे है बिकॉज दे आर मोर वैल्यूबल देन यू वो ज़्यादा वैल्यू आउटपुट करें हैंस वाई दे आर मेकिंग सो मच मनी मैं यहाँ पे आपको एक और मिसाल भी देता हूँ कि आजकल आप देखते हो कि डकी भाई और रजब बाट और ये लोग प्राडोज ले रहे हैं फॉर्चूनर्स ले रहे हैं और ये लोग इतने ज़्यादा लेकिन वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं आप लोग कहते हो कि यूट्यूब में बड़ा पैसा है यूट्यूब में अगर बड़ा पैसा होता तो आजकल हर दूसरा बंदा यूट्यूब से खरबों एक खरबो होता लेकिन आई एम श्योर यू यूगाज नो मनी पीपल इन साइड योर फैमिली एज वेल कि जिन लोगों की यूट्यूब चैनल है लेकिन उनको समझ नहीं आती पैसे कैसे कमाएं एंड आई नो फॉर अ फैट क्यूगाज नो मनी पीपल कि जिनके पैसे आते भी हैं लेकिन वो बहुत थोड़े होते हैं अंदर लेकर इतना गुजारा तो इन लोगों के कैसे ज़्यादा आते हैं इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ द फैट कि उन पर अटेंशन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो जाते हैं मतलब अगर मुझे हर रोज तीस लाख बंदा देखता हो और आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर हो तो आप अगर मुझे अपना प्रोडक्ट देते हो और मैं उसको दिखाता हूँ लोगों को तो ऑटोमेटिकली मैंने तीस लाख बंदे के सामने आपका प्रोडक्ट दे दिए तो मैं कितना वैल्यूलूँगा आपके लिए आप मुझे कितने पैसे दोगे तीस लाख बंदे के सामने अपना प्रोडक्ट रखने के लिए आप देखोगे भाई चार लाख पाँच लाख ले ले बिकॉज अगर तीस लाख बंदे में से एक लाख बंदे ने भी मेरा प्रोडक्ट ले लिया मेरे तो करोड़ों बन जाएंगे तो बेशक पाँच लाख ले ले एक पोस्ट का तो इस तरह करके दिस पीपल बेक सो मच मनी क्योंकि तो उन पर टेंशन बहुत ज्यादा होती है एंड बिकॉज ऑफ दैट अटेंशन दे बिकम वैलेबल सो मैंने ये एक प्रेमिस सेट करना था ताकि यू गाइस टू रेफर टू कि अच्छा पैसे बन तो रहे हैं बट वो इस बेसिस पे बन रहे हैं सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट कि आपके पास क्या क्या वो चीजें होनी चाहिए इफ यू वॉन्ट टू बी एबल टू मेक मनी पहली चीज ये है कि यू नीड टू हैव अ स्किल अब स्किल वाली बात भी आपने सुनी तो होगी ऑब्वियसली बिकॉज अगर आप ये वीडियो देख लो यू गाइज मस्ट नो द बेसिक्स लेकिन स्किल से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको बेसिक्स आती है अगर आपको लेट से आती है प्रोग्रामिंग और उस प्रोग्रामिंग को यूज करके आपको एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना आता है जो कि अक्सर यूनि स्टूडेंट्स को आता होता है तो क्या आपको कोई एम्प्लॉयर पे करेगा आपको कितना टाइम लगेगा वो चीज़ सीखने में कितना टाइम आपको दो दिन लगे तीन दिन लगे एंड यू थिंक कि आपको कोडिंग आ गई है ऑब्वियसली आपको कोडिंग तो नहीं आई आपको बेसिक्स पता चले अब अगर आप उस चीज को लेकर मार्केट में जाओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज अगेन लाइक द थिंग इज के हाउ वैल्यूबल आर यू बिकॉज अगर आपने तीन दिन लगा के एक चीज सीख ली है तो इस बंदे आपको हायर करना है वो भी अपने किसी जानने वाले को तीन दिन, दिन लगा के सिखा कि आपसे आधे से ज्यादा पैसों में भी काम करा सकते हैं सो वाई पे यू सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने जब भी पैसे कमाने हैं यू नीड टू मेक यूर सेल्फ वैल्यूबल एंड यू नीड टू लर्न स्किल कि जिसके लोग पैसे भी देंगे अगर आप करते हो वीडियो एडिटिंग तो बेसिक कट लगाने के आपको पैसे कोई नहीं देगा लेकिन अगर उसके अंदर मॉ गड्स डाले होंगे थोड़ी बहुत मोशन ग्राफिक्स डालने होंगे थोड़े बहुत आफ्टर इफेक्ट से काम होगा आपको लोग अच्छे पैसे देंगे अगर आप करते हो प्रोग्रामिंग आपको बेसिक कोई कोड लिखने के को इतने खास पैसे नहीं देगा बिकॉज वो तो आप इतने लोग कर देते हैं लेकिन अगर आपको रियक्ट पे नोट जे एस प्य और, और इन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बहुत हाथ बैठा हुआ है आपको इनकी ए इंटीग्रेट करना आती है आपको सब कुछ आता है तो आपको बहुत पैसे मिलेंगे बिकॉज हर बंदे को नहीं करना आता एंड ऑबसली ये कॉम्प्लेक्स स्केल हो जाता है एंड इसको सीखने में टाइम लगता है तो so ऑबियसली वो बंदा अगर खुद से किसी को ट्रेन भी कराता है तो उसमें इतना टाइम लगेगा इज नॉ गज गुड एज समन की पैशन एंड वॉन्ट्स डू इट फॉर हिम सेल्फ ताकि वो उससे पैसे कमाए सो बिकॉज ऑफ दट फैक्ट यू बिकम मोर वैल्यूबल इसलिए आपने देखा होगा कि कोडर्डर बड़े पैसे कमाते हैं वो जॉब्स में भी अच्छे पैसे कमाते हैं वहीं रज कई कोडर होते हैं जिनको पच्चीस हज़ार तीस तीस हज़ार की नौकरियाँ मिल रही होती है और हम लोग कह रहे हैं यार हमारे मुल्क में तो प्रोग्रामर्स को भी तीस हज़ार की जॉब्स मिलती हैं मसला उसमें हमारे मुल्क का नहीं है मसला यह है कि वो प्रोग्रामर्स इतने बेसिक काम कर रहे होते हैं कि उनको तीस हज़ार वाली जॉब्स मिलती हैं सो मेनी पीपल कि जो प्रोग्रामर्स हैं डेटा साइंटिस्ट हैं दे मेकिंग अ टन ऑफ मनी वाई उनके पास कुछ चार हाथ और दो दिमाग होने थे दे वर एवरेज पीपल बट दे एक्चुअली डेड एफर्ट टूवर्ड क्राफ्ट एंड नाउ नाउर एबल टू मेक अ गुड इनकम बिकॉज वो इतने अवेलेबल हो गए सो यू नीड टू लर्न अ स्किल एंड यू नीड टू लर्न इट टू सच एन एक्सटेंट कि जहाँ पर हर दूसरा बंदा ना आपके आप की तरह काम ना कर सके सो वन यू लर्निंग अ स्किल इस माइंड सेट सीखो कि यार ये नहीं कि बस मैंने सीख लिया और तो मैं पैसे कमाऊंगा यार मैं बोर हो रहा हूँ पता नहीं कब सीखूंगा बिकॉज लोग इसे डीमोटिवेट होते हैं वन एवर यूर लर्निंग अ स्किल यू हैव टू लर्न इट विद माइंड सेट यार मैं इतना मुश्किल स्किल सीखूंगा कि कोई कोई और सीख ही नहीं सकेगा बिकॉज बस इतना मुश्किल है कितने लोग ही सीखेंगे एंड देन बिकॉज ऑफ दैट ड्राइव बिकॉज ऑफ दैट हंगर बिकॉज ऑफ दैट माइंड आप अपने आप को इतना ज़्यादा एक्सेल कर जाओगे यू विल बी सो वैल्यूबल And this is the exact terminology that you have to keep in mind. Value. If you go beyond value, your career will get ruined. You will run after money. As long as you have a focus on value, as long as you know that you will make value, you will get money, you will earn a lot of money. So, the first thing is that you have to learn a skill. Now, you have to be able to sell that skill and you have to be able to multiply your income by outsourcing your work. अब ये वो चीज़ें जो मैं है बताऊंगा बट द बेसिक प्रेमस वॉज दैट कि स्किल वो चूज करो कि जहाँ पर यू एक्चुअली एबल टू लर्न इट सो मच कि यार आपको मज़ा आया उस काम को करने में जो लोग कहते हैं ना कि यार अमीर लाइक पैशन ढूंढ यू ढूंढो वो ढूंढो जरूरी नहीं है कि आप कोडिंग करो तो आपको मज़ा ही आ रहा है अरे जैसे कि यार आपको मज़ा आता है कि आप कंप्यूटर पे बैठ के अपने घर से काम कर सकते हो अगर आपको ये ये चीज अच्छी लगती है तो कोडिंग की तरफ चले जो कोडिंग आपको अच्छी लगे ना लगे वो आपको शुरू में बुरी ही लगेगी बिकॉज आप सीख रहे होगे बट जब आपका हाथ बैठना शुरू हो जाएगा आपको मजा आएगा बिकॉज यू विल हैव पावर ओवर द कोड एंड देन आपको उसमें अपना पैशन मिल जाता है एंड देन आपको उसमें और मज़ा आएगा वे राय अगर आप प्योरली किसी के पीछे जाते हो कि यार इसमें पैसे बहुत हैं तो क्या पता आपका दिमाग उसमें पता शार्प ना हो मतलब मैं अगर अभी आप पे हर बंदे को बोल दूँ कि यार आप जाके सारे सीखो डेटा साइंस आप सारे नहीं सीख सकते हो मैं भी नहीं सीख सकता हूँ शायद बिकॉज ऑफ द फैट यार हमने कभी वो काम नहीं किया हमारे दिमाग से दूसरा शार्प ना हो क्या पता सीख भी लो क्या पता ना सीख सको लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि यार आप हमें कोई एक ऐसा स्किल बता दें कि बस वो हम सीख लेना हम बड़े पैसे कमाएं मैं उनको ये कहता हुए यार मैं आपको कह दूँ डेटा साइंस आप सीख सकते हो तो आप अपने पैशन को देखो अंदर उसके इर्द गिर्द पैसे बन सकते हैं वीडियो एडिटिंग से भी ठीक ठाक पैसे बन सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग से भी बन सकते हैं मार्केटिंग से भी बन सकते हैं प्लम्बर बन के भी बन सकते हैं गाड़ियाँ टैक्सी टैक्सी चला के भी बन सकते हैं स्ट्रैटेजी की बात होती है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू मेक ए स्ट्रेटेजी फॉर वट एवर इज दूड डूइंग सो दैट यू इज अंडरस्टैंड वट द पी रिक्विज इज लेट्स मूव आउट टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज मेकिंग पोर्टफोलियो सो ना हम कहना टैलियो की आपने किसी भी स्किल का पोर्टफोलियो कैसे बनाना है मैं आपको कुछ मिसालें दे दूँगा कुछ स्किल सेट्स की एंड आपने उनको अपने माइंड में रख के अपने मुताबिक एडजस्ट करना है बिकॉज में हर स्किल की तो नहीं दे सकता ऑब्वियसली बिकॉज इतना टाइम भी नहीं है ना मेरे माइंड में इतने स्किल्स आएंगे कि यार ये भी वो भी वो भी लेकिन अगर लेट्स आप एक वीडियो एडिटर हो तो फॉर अ वीडियो एडिटर आपने पहले सीख लिया अपना स्किल सेट विच इज कैन अभी वीडियो एडिटिंग मोशन ग्राफिक फिर आपने अपनी वीडियो खुद अपने फोन को यूँ पकड़ के आपने अपनी वीडियो खुद रिकॉर्ड करनी है एंड जब आप अपनी वीडियो खुद रिकॉर्ड करोगे देन आप उनको एडिट करोगे जब आप उनको एडिट कर लोगे आपके पास एक पोर्टफोलियो बनाने का ऑप्शन होगा दन आप उसको अपने वीडियो के लिए एज ए पोर्टफोलियो यूज कर सकते हो एंड वन यू आर कने भी यूजिंग इट एज अ पोर्टफोलियो फॉर योर ऑन वीडियो तो इट्स कन शो क्या चलो बंद ने मेहनत की है एंड ये एंड आपने किसी पर रिलाई नहीं किया आपने अपनी वीडियो पकड़ी अपने स्किल्स डेमोस्ट्रेट किया उसको एडिट करके सो दैट इज हाउ यू कैन मेक अ पोर्टफोलियो एज वीडियो एडिटर अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं तो उसके अंदर और ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है बिकॉज बड़े लोगों का सवाल होता है तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपने करना ये है कि आपने सीख सी मार्केटिंग यू का आइज नो कि अच्छा मेटा आर्ट कैसे होते हैं गूगल आर्ट्स कैसे होते हैं टारगेटिंग कैसी होती है आई कैसे बनती है कौन से बिजनेस के लिए कौन सी ऑफर होती है वट अगर आपने सही सीखी आपकी चीज़ें पता होंगी उसके बाद आपने करना ये कि आपने अपने किसी जानने वाले के पास चाचू हो गए खालू हो गए मामू हो गए ताया हो गए खाला होगी कोई भी किसी का कोई भी बिजनेस है आपने उनके पास जाना है आपने कहना है, है आपके बिजनेस के लिए मैं एड्स रन करूंगा एंड मैं आपको इतनी लीड्स ला के दूंगा बेस्ट ऑन माय लर्निंग लेकिन अगर आप कहते हो यार अभी आप उनको लीड्स की प्रॉमिस नहीं कर सकते लेकिन आपको फंडामेंटल्स पता है यार आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप फिर ये करो कि आप उनको बोला यार आपका जो भी प्रोडक्ट है मुझे वो दे दें आपने मुझे एड्स पेंड देना है इतना और पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं होता तो मैं आपको ये चीज़ बेच के दूंगा अगर ये चीज़ ना बिकी की तो इतने पैसे का लॉस है वो मैं मानता हूँ होगा और एड्समेंट आपने उनसे कोई दस पंद्रह लाख रुपये नहीं दे लेना आपने उनसे दो तीन हज़ार रुपये एड्सपेंट लेना है आपने कहना इसमें इसमें मैं आपको सेल ला के दूँगा एंड देन आपने उस एट्स एड्सपेंट को यूज़ करते हुए उनको सेल ला के देनी एंड देन उस पूरे प्रोसेस को आपने डॉक्यूमेंट करना है एंड उसको डॉक्यूमेंट आप किस तरह करोगे अगर आपको नहीं आता है यूट्यूब पर वीडियो देख लो कि हाउ टू डॉक्यूमेंट अ प्रोसेस एंड देन आपने गूगल उस पूरे को डॉक्यूमेंट करना है एंड देन आपने उसको एज ए पोर्टफोलियो यूज़ करना है अगर आप किसी जाने वाले का नहीं है तो बाहर किसी लोकल दुकान में चले जाओ मार्केट में चले जाओ बाजार में चले जाओ सदर चले जाओ कहीं भी, भी चले जाओ वहाँ पे जाकर देखो कौन सी शॉप है क्या जिस जिसकी आप जनरली हेल्प कर सकते हो एंड उसका एक सिंपल तरीका देखने का ये है कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसको जनरली आप खुद देख के पैशनेट हो अगर आपको फोन्स का शौक है तो फोन की शॉप पर चले जाओ उनको बोलो यार उनको उनको प्रॉपर पिच दो दस लोग ना करेंगे एक बंदा क्या पता हाँ भी कर दे लेकिन दैट्स जस्ट अ सैड रियलिटी लेकिन अगर आपने ये कर लिया तो आई ए यू कि आपको जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलेंगे ना फिर दे आर कने बी सो सो गुड बिकॉज आपके पास इतना अच्छा प्रोसेस होगा डॉक्यूमेंट किया होता है ना आपको इंटरनेशनल बंदा पे भी करेगा लेकिन अगर आपको लेकिन अगर आपने ये वाला काम नहीं किया हुआ तो आपको क्लाइंट तो फिर भी मिल जाएगा लेकिन ये और चीज कैन बी वेरी लो पेइंग एंड आपको उस हाई पेइंग पे जाने में बड़ा टाइम लगेगा और जो लर्निंग आपकी इस तरह प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में उतर के होगी आपको बहुत मजा भी आएगा एंड आपका हाथ बहुत तेज भी होगा सो दैट इज हाउ यू कैन मेक अ पोर्टफोलियो एज ए डिजिटल मार्केटर अब उसमें तीसरा अक्सर लोगों का क्वेश्चन ये प्रोग्रामर कैसे बनाएं एज आ प्रोग्रामर अगर आप लग से काम करते हो फ्रंट एंड का तो फ्रंट एंड वेबसाइट अपने लिए डेवलप करो एंड देन उनको डेवलप करने के बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो अपनी स्क्रीन के एंड देन गो थ्रू एक्जैक्टली कि आपने इसमें क्या किया क्यों किया ताकि आप उस चीज को शेयर करो किस क्लाइंट के साथ तो उसको पता चले अच्छा अरे बंदा इसने अगर ये किया तो उसने इसलिए किया बिकॉज ही नोस क्यार की इंपॉर्टेंस क्या है एंड अगर आप एक बैकेंड डेवलपर हो तो आप बैक एंड सिस्टम्स को बनाओ एंड उसकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करो एंड साथ लिंक्स दो अपने काम के यार ये मैंने किया था इस इस वेबसाइट का बैक हंड मैंने बनाया था इस ई कॉमर्स स्टोर का बैक हंड मैंने बनाया था एंड इसके अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज दिस पर्टिकुलर थिंग एंड देन उसको वीडियोज के थ्रू डॉक्यूमेंट के थ्रू डॉक्यूमेंट करो एंड देन यू स्टार्ट एज ए पोर्टफोलियो बिकॉज अब मैं आपको ये बोलूँ आप गूगल ड्राइव का लिंक डाल दो तो वो तो आपके नीच में काम नहीं करेगा बिकॉज आपके नीच में आपको लोगों ने पैसे ज़्यादा देने हैं सो यू हैव टू गिव द मोर वैल्यू ऑफ फ्रंट एज वेल अदरवाइज वो आपको पैसे नहीं देंगे ज्यादा सो दैट इज हाउ यू मेक मनी इन दी स्किल एंड ये मैंने आपको बड़ा एक ओवरव्यू दे दिया आप लोगों को इफ़ यू गाइज हैव एनी ब्रेन अगर आप सोचते हो बैठ के तो आप बाकी स्किल्स के लिए भी बेहे आराम से बना लो बिकॉज मार्केटिंग और प्रोग्रामिंग के सबसे मुश्किल होती है पोर्टफोलियो बनाने लोगों को समझ नहीं आती दैट इज अ हाउ यू कैन मेक अ पोर्टफोलो फॉर एनी पर्टिकुलर स्किल सो नाउ लेट्स मूव वॉन्ट टू दर्ड पॉइंट विच इज के हाउ यू फाइंड क्लाइंट्स अब जहाँ तक बात रहती क्लाइंट्स की अब ये भी एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जो अगर हल हो जाए तो बड़े बड़े लोग जो है ना वो खुशी की लागें मारेंगे एंड ये मैं हल भी कर दूंगा अभी आपके लिए बेसिकली तीन तरीके होते हैं ऑनलाइन पैसे कमाने के सो so, पहला तरीका ये होता है कि आपके पास अगर कोई भी एक डिजिटल स्किल है आप उसको अपवर्क फाइवर या फिर फ्री लानसर डॉट कॉम गुरु डॉट कॉम या फिर इस तरह की किसी भी वेबसाइट पे सेल करते हो यहाँ पे आप जाते हो अपनी प्रोफाइल बनाते हो वहाँ पे बैक एंड पे क्लाइंट्स होते हैं जो जॉब्स पोस्ट कर रहे होते हैं आप उन जॉब्स को बिड करते हो बिड करने का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप बताते हो कि जी मैं कर दूंगा क्योंकि मुझे अब आगे, आगे आपने जो भी बोला कि मुझे ये आता है या फिर मैंने ये पहले किया हुआ है या फिर मेरी एक्सपर्टीज़ है कुछ भी हो सकता है आप उनको वो बता देते हो एंड देन वैन यू डू दैट तो अगर उनको आपकी अपलिकेशन अच्छी लगे बाकी नस्बत तो वो आपसे रीच आउट करते हैं अगर नहीं अच्छी लगे तो वो रीच आउट नहीं करते बट दैट इज असेंशरी हाउ दीज प्लेटफॉर्म्स वर्क मैं आपको बड़े सिंपल तरीके में बताया अभी दूसरा तरीका ये होता है कि आप डालते हो कंटेंट इंस्टाग्राम पे टिक पे इधर उधर एंड देन आपके कंटेंट पे जो व्यूज़ आते हैं वो आपने देखना होता है कि आपका कंटेंट इतना वैलेबल हो कि आपका जो आइडियल कस्टमर है कि के, के, के जिस बंदे को आपकी सर्विस चाहिए वो आपसे रीच आउट करें बिकॉज आप अपने सर्विस का कॉन्टेंट डाल रहे होते हो तीसरा तरीका ये होता है कि आप चलाते हो अपने एड्स जो कि ज़्यादातर ई कॉमर्स वाले करते हैं कि वो गूगल एड्स और फेसबुक एड्स को पैसे देते हैं कि हैं यार ये हमारी वीडियो है ये आपने प्लीज़ चलानी है हर फोन पे हर टैबलेट पे जो जो हम आपको बता रहे हैं कि इस एज का बंदा हो इस जेंडर का हो ये उसका इंटरेस्ट हो और वो फोन पे देख रहे हो कंप्यूटर पे देख रहे हो ये सारी चीज़ें आप स्पेसिफाई करते हो तो आपका ऐड फिर उन डिवाइस पे चलता है ये वो तीन तरीके होते हैं जिससे लोग पैसे कमाते हैं चौथा तरीका ये होता है कि आप ऑब्वियसली बाहर फिजिकली भी काम कर सकते हो लेकिन आई एम श्योर कि ज़्यादातर लोग जो लोग ये वीडियोस देख वो इसीलिए देख रहे हैं कि वो उन्होंने ऑनलाइन पैसे कमाने और जहाँ तक बात रही स्टार्टिंग आउट तो मैं आपको वो रोड मैप बताता हूँ जो जो कि मैं ऑलमोस्ट अपने सारे स्टूडेंट्स को बताता हूँ जो कि आपको टेस्ट अगर यहाँ पर डाल दें एडिटर्स आप तो नज़र आ जाएंगे मोइज है सैफ सेफ हैव मेड ए टर्न ऑफ मनी मोइज की तो मुझे खुद से याद है लाइक एक साल पहले मोइज को कुछ भी नहीं पता था नाउ मोइज इज एबल टू मेक वेरी गुड मनी फॉर हिमसेल्फ एज अ डिज़ाइनर एंड दीज एंडस कोई बंदा छह हजार डॉलर पर मंथ का रहा है कोई दो हजार कोई एक हजार कोई बारह सौ सो स्टोरीज़ आर एंडलेस एंड यही वो एग्जैक्ट जो मैंने सारों को बताया out, आपने बनानी है अपनी प्रोफाइल ऑन अपवर्क एंड वो आपने किस तरह बनानी है यहाँ पे एक कार्ड स्लाइड हुआ होगा वहां पर क्लिक कर लो दार्ड वीडियो कि आपने किस तरह परफेक्ट अपवर्क प्रोफाइल बनानी है जब आप वो वाली वीडियो पूरी देख लो उसको फॉलो करो साथ सा, उसको यूज करके अपनी प्रोफाइल बनाओ एंड देन उसके बाद आपने ये वाली वीडियो देखनी जब दोबारा कार्ड स्लाइड हुआ है ये एक घंटे के अपर की मास्टर क्लास है जो मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है इट इज़ एपसीूटली फ्री जब आप ये देख लोगे यू यूनो एक्सैक्टली एवरी थिंग यू नीड टू नो अबाउट अपर फाइव एंड अगर आपने मजीद सीखना है तो मेरा पर्सनल ग्रोथ एंड कोचिंग प्रोग्राम भी है अभी इससे पहले आप लोग कोर्स बेच रहे हैं हाँ बेच रहा हो बिकॉज लोगों की इससे बहुत हेल्प होती है फ्री में लोग इतना ही सीखते हैं जहाँ तक उनका दिल करता है जब चार पैसे लगते हैं ना फिर लोग पूरा एंड तक सुनते हैं और उस चक्कर में वो सीख भी जाते हैं वो पैसे भी कमा लेते हैं सो उसका लिंक में अब बायो अगर आपने सीखना हुआ दैट्स अप टू यू बट आपने ये वाली वन आवर की मास्टर क्लास देख लेनी है यू विल नो अबाउट ऑलमोस्ट एवरी सिंगल थिंग अबाउट अपड फाइबर जो कि आपको चाहिए इन ऑर्डर फॉर यू टू मेक मनी विद दीज प्लेटफॉर्म्स सो जब आप ये देख लोगे यू विल नो एक्जैक्टली आपने किस तरह अपना लिखना है कवर लेटर यू विल नो एक्जेटली की आपने किस तरह बात करनी है यू विल नो एक्जैक्टली आपने किस तरह कम्युनिकेट करना है यू विल नो अबाउट सो मच टफ जब आप ये एक घंटे की वीडियो देख लोगे सो so, ये तो हो गया वाला सीन अब वर् आपको आपका पहला काइट मिल जाएगा तो उसके बाद आपने उसी प्रोसेस को रिपीट करना है जिससे आपको आपका पहला काइंट मिला था इज के जो से प्रपोजल आपने यूज किया था उसी को डबल डाउन करते रहो उसको थोड़ा बहुत बेहतर करते रहो हुक चेंज करते रहो बॉडी चेंज करते रहो एंड एक टाइम आएगा जब आपका प्रपोजल इस तरह का बन जाएगा कि आप अगर दस जॉब्स सबमिट करोगे तो उसमें से आपको पांच का चार का जवाब आ जाएगा एंड जब आपका ये वाला प्रोसेस क्रैक हो जाएगा जब आप वहां पे 25 से 30 जॉब्स कंप्लीट कर लोगे जो कि इट्स नॉट दैट हार्ड टू मैंने अपने पहले साल में जब मुझे कुछ भी नहीं पता था मैंने इकतालीस जॉब्स कंप्लीट की थी एंड आई मेड नाइनटीन थाउजेंड डॉलर एज ए नाइनटीन ईयर ओल्ड आप वर्पर जब मुझे कुछ भी नहीं पता था और मैं तुक्के में इस प्लेटफॉर्म पर गया था तो आपको तो मैं इतनी बड़ी वीडियो बता रहा हूँ सब बता रहा हूँ और अगर आप मेहनत करने वाले हो तो आप उन्नीस हज़ार नहीं आप पचास साठ हज़ार भी चले जाओगे इशाला मैं ख़्वाब नहीं दिखा रहा ये जनरनली बात है अगर आप मेहनत करोगे आप इतने पर जा सकते हो बिकॉज आई बिन देयर डन दैट वाली बात एंड सो अदर पीपल हैव डन दैट एज़ वेल जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं एंड जो पैर के लोग भी हैं सो हैव डन दैट उसके बाद आपने आना है फाइवर पे एंड उसके बाद आपने फाइवर पर क्यों आना है बिकॉज अपवर पर आपके लिए जॉब्स पोस्ट हो रही होती हैं आपकी मार्केट रिसर्च बड़ी बेहतर हो जाती है आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मेरे स्किल सेट के अंदर इस पर्टिकुलर काम की बहुत डिमांड है एंड जब ऐसा सीन हो जाता है तो उससे आपको ये फायदा होता है कि आपको आगे पीछे देखना नहीं पड़ता है किसी किस चीज़ किस, किस की डिमांड है जब आपने पापा पच्चीस तीस जॉब्स कम्प्लीट कर लेंगे आपको एक पैटर्न नजर आएगा कि यार कॉमनली ये प्रॉब्लम है एंड इस प्रॉब्लम के लिए मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं तो फिर आप जो सी कॉमन थ्री प्रॉब्लम्स है ना उनकी आप फाइवर पे ही बनाते हैं गिग्स एंड आप उन गि किस तरह बनाते हैं इस वीडियो को फॉलो करें हाउ टू मेक अल्टीमेट फाइवर गिक्स एंड इसके साथ एक और वीडियो होगी फाइवर एलगोरिदम एक्सप्लेन वो भी यहाँ पे आई होगी तो वो भी आप देख लें वट दैट्स गिप बनानी है एंड आपने किस तरह उसको रैक करना है सो वंस यू डन ऑल ऑफ दैट उसके बाद यूर फाइवर एंड योर अपना उसके बाद आप कोल्ड आउट भी जा सकते हैं जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ बट दैट इज एसेंशली हाउ यू गाइज क्रैक अपड फाइवर सो so, यहाँ तक आपको समझ आ आएगा कि आप अपना पहला क्लाइंट कैसे लेके आना है नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट कि आपने कोल्ड आउटरीच के थ्रू क्लाइंट कैसे पकड़ना है कोल्ड आउटरीच का मतलब क्या होता है कि जिन लोगों को आप जानते नहीं हैं आप उनको रीच आउट करते हो उसको कोल्ड कहते हैं जिन लोगों को आप जानते हो अगर आप उनको रीच आउट करो तो वार्म आउट होती है सो कोल्ड आउट आप करते हो थ्रू इंस्टाग्राम डिस्क या फिर थ्रू एक्स जो कि ट्विटर अपर के बाद आपने सारे काम करने आप पहले भी कर सकते हो लेकिन पहले आप करोगे खुआ हो अगर आप थोड़ी सी अपनी ड्यू डिलीजेंस करके थोड़ी मेहनत करके अगर आप मार्केट रिसर्च कर सकते हो अपर को यूज करके पहले फिर आप कोल्ड आउटरीच कर सकते हो बट अगर आप कहते हो नहीं मैं लेजी हूँ मैंने कोल्ड आउटरीच करनी है फिर आप नहीं कर सो फिर आपस आप बैठे रहो सो नाउ लेट स्टॉक अबाउट कोल्ड आउटरीच कोल्ड आउटरीज के अंदर आपने करना है कि सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने जाना है इंस्टाग्राम के ऊपर इंस्टाग्राम पर जाने के बाद आप अपनी प्रोफाइल को सेट करना है सेट आपने किस तरह करना है कि आपने अपनी बायो में प्रॉपर कॉल टू तो एक्शन डाल लें पहली लाइन बताया कि आप हो कौन आप करते हैं क्या हो दूसरी लाइन बताया कि आप क्लाइंट्स के लिए क्या करते हो तीसरी लाइन में आपका कोई ना कोई कॉल टू एक्शन हो जो कि या तो हो कि बुक अ कॉल विद मी या फिर चेकआउट माई पोर्टफोलियो या फिर उसमें कोई और लीड मैगनेट हो या कुछ भी हो लीड मैगनेट क्या होते हैं मैं आपको बाद में वो मैं आपको बाद में कभी भी बताऊँगा वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी फॉर बिगेर्स लाइक यू एट द मोमेंट बट एसेंशियली लीड मैगनेट का मतलब ये होती है कोई भी ऐसी चीज़ कोई भी इतनी वैल्यूबल चीज़ आपकी नीच के अंदर के जो आप क्लाइंट को दो क्लाइंट देखिए बोले यार उसको इतना कुछ पता है इसी को हायर कर लेता हूँ इतनी काम की बातें इसको पता है तो दैट इज बेसिकली वट आर लीड मार्गनेट इज तो, तो आ, आपने अपनी प्रोफाइल सेट करनी है प्रोफाइल सेट करने के बाद आपने अपनी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल बनानी है वो कैसे बनानी है यहाँ पे वीडियो आ रही होगी उसको देख लेना आपको वीडियो में इसलिए भेज रहा हूँ और मैं यहाँ पे बताऊँगा बातें रिपीट होंगी तो फायदा नहीं है बट असेंशली इफ यू गैस डो वॉम डू दैट अगर आप चाहते हो कि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ तो मैं एक में सब बताऊँ तो कॉमेंट में अभी बता रहा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से फिर ये वाला काम ना करूँ तो सबसे पहले आपने बना ली अपनी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल जब आपने अपनी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल बना रही जो उसमें आपने हैश यूज़ किए होंगे उनको ऑब्वियसली आपने यूज करना है अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल सर्च में जाके देन वहाँ उस सर्च में जाके आपने देखना है किन लोगों को आपकी सर्विस की जरूरत है जिन लोगों को आपकी सर्विस की जरूरत है आपने उनको डीएम करना है एंड वो आप किस तरह जज करोगे कि लेट से आप एक वीडियो एडिटर हो तो आपने देखना है किस बंदे की एडिटिंग खराब है या फिर किस बंदे की एडिटिंग अच्छी नहीं है या फिर किस बंदे की एडिटिंग है लेकिन उसमें व्यूज़ नहीं आ रहे एंड आप उसको किस तरह बेहतर कर सकते हो आपको जनरल नजर आना चाहिए कि मैं इस बंदे की इस तरह हेल्प कर सकता हूँ सो व्हेन यू फाइंड पीपल लाइक दैट यू डी एम दैम एंड यू डी एम दैम वट आपने उनको सिंपली ये डी एम करना है जो भी आपने उनका एक प्रॉब्लम देखा है कि हाई आगे उनका फर्स्ट नेम And then after that, you basically have I've noticed that your. whatever videos are or videos and you're looking to increase your terms, for example I've noticed that you're putting out short-form content every single day and I'm assuming that the goal is to get more conversion for your digital product but I've noticed that your videos are not getting the views that you desire and because of that, I believe the conversion might be very very low I've got a great solution for this and it's not going to cost you any money Could I have 15 minutes of your time? Best regards, name, that's it उट कर फॉर्मेट करके भेजना है अगर हुआ, वो आपको दे देगा, अगर नहीं हुआ, तो नहीं देगा ठीक है ये हो गया एज अडियो एडिटर लेकिन अगर आप एक डिवेलपर है तो उसके लिए, आपकी जो आउटी स्ट्रेटी है वो डिफरेंट होगी आपने उसके पूरा गो थ्रू करना आप कहते उसका वेबसाइट लोडिंग टाइम्स है आप उसको एड्रेस करोगे स्लो येड इज आर नॉट प्लेस प्रॉपरली एंड ऑल्सो योर बैक एंड एपीआईन इज नॉट प्रॉपरली कुछ भी हो सकता है

लूम वीडियो क्या होती है वो बेसिक वो एक प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करके आप वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हो फॉरन फॉरन ऑनलाइन ही ना एंड आप उसको बड़े आराम से शेयर कर सकते हो तो लूम बेच सकते हो दैट इज कैन आप यू गेम एज वेल क्या आपने उनके प्लेटफॉर्म पर या फिर आपने उनकी वेबसाइट या फिर आपने उनकी प्रोफाइल को थ्रू किया चीजें मैं आपके लिए बेहतर कर सकता हूँ तो दट इज कैन मे ऑफर इवन मोर वेलेबल सो इस तरह करके यू कैन डू आउटरीच ऑन इंस्टाग्राम एंड एग्जैक्ट सेम प्रोसेस है टू आउटरीच ऑन एक्स अब द थिंग इज कि अक्सर लोग जिसमें गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो डे वन से ना सेलिंग पे आ जाते हैं द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर डूइंग आउट रीच ऑन दीज प्लेटफॉर्म इज़ दैट कि आप फॉलो करो अपने आइडियल कस्टमर प्रोफाइल को एंड आप उनके एंड आप उनके पिक्चर्स को लाइक like करो एंगेज करो एंड देन इवेंचुअली दो तीन दिन के बाद या फिर हफ्ते बाद आप उनको डी एम करो ये वाला लेकिन अगर आप इतना सबर नहीं है तो आपने पहले भी डीएम कर सकते हो लेकिन उससे आप उस, लेकिन उससे आपकी कन्वर्जन बेहतर होगी सो आइडियली आई वुड से पहले हफ्ता दो हफ्ता उनके साथ एंगेज करो कमेंट्स करो लाइक करो उन वो जो वो जो पोस्ट कर रहे उस पर उनका जवाब दो एंड देन यू डीएम देम आफ्टर लाइक तक वो देखें यार ये बंदा बड़ा इंटरेक्ट कर रहा डीएम भी किया क्या चक्कर है वो अच्छा ये इशू है चलो यार बात कर लेते हैं इससे ही लुक्स लाइक अब नाइस गाय या फिर नाइस गर्ल बिकॉज पीपल बाय फ्रॉम पीपल दे लाइक पीपल डोंट बाय फ्रॉम रोबोट्स पीपल बाय फ्रॉम पीपल दे लाइक सो अगर आप एक अच्छे बंदे हो इफ यू जनरली यू नो इफ यू जनरली गिव आउट वैल्यू इफ यू जनरली हेल्प दम आउट पीपल विल रीच आउट टू यू नाउ स्पीकिंग ऑफ वैल्यू आपने रील्स भी डालनी है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अब उसके लिए देर इज अ होल क्राइटेरिया कि कैसे डालनी है उसके लिए यहाँ पे वीडियो आई होगी वो देख ली है आपने बट इसेंशली यू हैव टू ऑल्सो पुट आउट कॉन्टेंट वेल वहाँ से मेरे को काफ़ी टाइम्स आ सकते हैं वो सारा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया इस वीडियो के अंदर नाउ कमिंग टू द थर्ड प्लेटफॉर्म विच इज डिस्कॉट डिस्कॉट के लिए आपने जाना है गूगल पे गूगल पे जाने के बाद आपने लिखना है कि बेस्ट डिस्कॉट कम्युनिटीज फॉर जॉब फॉर वीडियो एडिटिंग जॉब्स ठीक है जो भी आपकी नीच है आपने उसके मुताबिक सर्च करना है आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे एंड देन उन ग्रुप्स में जाके आपने यही सेम काम करना है ऑन जॉब्स के जो पोस्ट हो रही होंगी सेम फॉर्मैट एंड यू विल सी के पीपल रीच आउट यू यू इफ एक्चुअली एड्रेस कॉमन प्रॉब्लम्स एंड इफ यू एक्चुअली गिव दम इसल्यूशन के आई मैं आपके हल कर सकता हूं एंड देन पीपल विल स्टार्ट बुकिंग कॉल्स विद यू यू सो सो दैट 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 इज इज हाउ डू वॉट बेसिकली डूइंग कोल्ड डूइंगीज नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट यू वन डू फील आंसर हाउ डू यू ट्रांजिशन टू एन एजेंसी ऑनर आई फील आंसर टू एजेंसी ऑनर की ट्रांजिशन इज वेरी सिंपल गेट पीपल ओवर कॉम्प्लिकेटेड आप फील आंसर से एजेंसी तब बनते वैन यू स्टार्ट गिविंग आउट एन टू एंड सर्विस या पी यू स्टार्ट स्पेशलाइजिंग इन वन पर्टिकुलर सर्विस एंड उसके अंदर यू हायर अब पीपल सो एग्जाम्पल लेट से आप कह रहे थे पॉडकास्ट प्रोडक्शन एंड उसके अंदर आप कह रहे थे पॉडकास्ट कैरिटिंग खाली बट एज सुनर यू स्टार्ट गिविंग एन टू एंड पॉडकास्ट प्रोडक्शन सर्विस विच इज बेसिकली के स्क्रिप्टिंग गेस्ट बुकिंग मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पोस्ट प्रोडक्शन सारी शो नोट्स प्रोमोशन बिकम एन एजेंसी लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करता कि मैं पॉट कैसे रिटिंग ही करता लेकिन मैं उसके अंदर दस पंद्रह टाइम्स पकड़ लेता है एंड मैं उसके अंदर बीस बीस बंदे हायर करा मैं तब भी एजेंसी बनता है लेकिन द प्रोफिटेल बिजनेस मॉडल इज टू डू इट एंड टू एंड बिकॉज सब कुछ फिर जब आप करते हो आपके मार्जिन आपका पैकेज बहुत ज्यादा वैल्यूबल हो जाता है बिकॉज हम लोगों को बहुत ज्यादा टाइम बचा के दे रहे होती हूँ सो दैट इज हाउ यू ट्रांजेक्शन टू एन एजेंसी पहले अपनी ऑफर बनाओ कि एंड टू एंड काम करना एक चीज को डबल डाउन

सो यू हैव टू रियली क्रा योर लीड जन एंड वही ही होगी कि आपने रियली really क्राक करना कि आपका अफवा का प्रपोजल कैसे चल रहा है याव टू अंडरस्टैंड कि आप कॉल लाउ तो किस तरह मजीदी लाइन्स पकड़ सकते हो एंड इफ यू अंडरस्टैंड दैट तो यू बिका मैंने एजेंसी एंड यू स्टार्ट गेमिंग आउट एंड टू एंड सर्विस या फिर एक सर्विस के मल्टीपल वेरिएशन भी हो सकती हैं हाउ एवर एंड टू एंड इज दी बेटर वे टू गो अब आप उसको मैनेज किस तरह करते हो हाउ डू यू क्रिएट बिजनेस ऑपरेशन टू बेसिकली हैव ऑल ऑफ योर टीम इन वन प्लेस लैक इज बेसिकली लाइक अ चार्ट एप्लीकेशन के जो होती व्हाट्सएप की तरह है डिस्कॉट की तरह है, लेकिन वो सिर्फ काम के लिए होती है एंड यू कैन इंटीग्रेट अ टन ऑफ एप्स लाइक जेपियर हो गया गूगल ड्राइव हो गया मेक डॉट कॉम हो गया एयर टेबल हो गई सारी चीज़ों को आप जब इंटीग्रेट करते हो ना एक साथ आपका बिजनेस इट्स वेरी पावरफुल एंड देन आपने जेपियर को समझना है कि जेपिय को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ मैं मेक डॉट कॉम को कैसे यूज कर सकता हूँ मैं ए टेबल को कैसे यूज कर सकता हूँ ताकि मेरी ऑटोमेशन लगे कि अगर मैं किसी एक टीम में को ये वाला मैसेज करूँ तो ऑटोमेटिकली उसकी एंट्री गूगल शीट में डाल जाए ऑटोमेटिकली मुझे उसके रिमाइंडर जाते हैं हर दो दिन के बाद ऑटोमेटिकली उसको भी रिमाइडर जाते हैं कि यार काम करना था काम किधर पहुंचा है जब वो लिंक भेजे वो लिंक ऑटोमेटिकली इन सारी एंट्रीज में ऐड हो जाए और मुझे एक मैसेज भी आ जाए कि द वर्क हैज बीन डिलीवर्ड एंड जो एडिटर है उसको पता चल जाए कि फानी फाइल हैज बीन अपलोड सारी ऑटोमेशन आप कर सकते हो ये हो जाती हैं ऑब्वियसली इट कॉस्ट मनी लेकिन जब आपको ये करनी पड़ेंगे तो क्या पैसे होंगे आप तभी करोगे उससे आपको करने की जरूरत नहीं होगी सो दैट इज़ हाउ यू ट्रांजेक्शन टू एन एजेंसी ओनर अगे अगेन मैं बड़ा इसको ऊपर ऊपर से करके बता रहा हूँ लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट मेक सेंस फॉर यू गाइज क्योंकि अगर मैं बिल्कुल अभी घुस गया ना इन चीज़ों में कि फाइनल कैसे बनती है आपने किस तरह अपनी लीड जैन को आपने ऑटोमेट करना है आपने किस तरह उसके अंदर अपनी आईसीपी को आपने अपने सेल्स एंड नगोशिएशन को यूज करके अपनी ऑफर ऑफर क्रिएट करके किस तरह गारंटीज ऐड करनी है किस तरह डिस्काउंट्स ऐड करने हैं आपने किस तरह उसके ऊपर बोनसेस ऐड करके वो बहुत ज़्यादा आपके इस वक्त कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सो सो दिस इज़ बेसिकली अ बिगेनर्स गाइड कि कल को वो अगर कहीं बैठे कि कल को अगर वो कहीं चार लोगों में बैठे वो उसको ये ना हो कि यार मुझे पता कुछ नहीं है उसको पता हो और आप मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि नाइनटी फाइव परसेंट लोग जो आपके आपके इर्द गिर्द होते हैं ना जो वो कहते हैं यार हमें ना टेक्नोलॉजी का बड़ा पता है ऑनलाइन पैसा कमाने का बड़ा पता है उनको यही पता है जो मैंने आपको अभी बता दिया है इस ज़्यादा उनको भी नहीं पता होता

एक चीज़ माइंड में रखो कि अगेन मैं इसमें अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि शेडुलिंग कैसे कर रही है मुश्किल हो जाएगा अभी लेकिन एक चीज़ अगर मैं आपको दे सकता हूँ अभी आखिरी दो दो तीन मिनट में वो ये है कि स्टॉप डूइंग द स्टूपिड थिंग्स एंड ऑटोमेटिकली जो सही चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है यार मैं फ़ोन बहुत यूज़ करता हूँ फोन मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मेरा दिल करता है मैं काम कर कि मैं फोन में फंसा हूँ फोन को लॉक करके कहीं रख दो वाले साहब को दे दो किसी लॉकर में रख दो लॉक कर दो चाबी मामा को बोलो छुपा दे दोस्त को बोलो छुपा दे चाबियाँ जब तक मैं ये वाला काम नहीं कर लेता अगर आपको लगता है कि यार मैं काम कर रहा होता तो लेकिन मेरा मैं अचानक से यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ तो आप ये माइंड में रखो कि आप जब भी यूट्यूब ओपन करो आपको या तो कोई बीप की आवाज़ आ जाए या फिर आपका जो ऐप आप है आप अपने कंप्यूटर के अंदर फोकस मोड की बड़ी ऐप्स होती हैं वो कर लो कि यूट्यूब खुले तो खुलने ना दें बिकॉज अक्सर जो हम लोग गलतियाँ करते हैं वो ये नहीं होता कि हम जानबूझे करते हैं हम सब कॉन्शियस हमें पता भी नहीं होता हम यूँ जाएंगे यूट्यूब खोल ली वीडियो लगा ली एंड देन हम घुम जाते हैं सो मेक डूइंग द स्टूपिड थिंग्स वेरी हार्ड टू डू जो मुश्किल चीज़ें हैं उनको इतना मुश्किल कर दो करना कि वो ऑटोमेटिकली वुड बी लाइक यार चलो यार कर ही लेता हूँ अभी लगा हूँ करी लेता हूँ काम कर ही देता हूँ एंड देन इवेंचुअली जब आप दो तीन चार दिन ये चीज़ करते हो ना आपकी हैबिट बनती है आपका जो अंदर विल पावर है वो स्ट्रांग होती है देन आप छठे दिन से कहते हो नहीं मैंने नहीं करना तो वो विल पावर डिवेलप करनी होती है इट्स अ मसल सो स्टॉप डूइंग द स्टूपिड थिंग्स एंड ऑटोमेटिकली सही चीजें होने शुरू हो जाएंगे लेकिन इफ़ यू कीप ऑन डूइंग द स्टूपिड थिंग्स एंड यू एक्सपेक्ट कि सही चीज़ें होंगी कुछ भी नहीं होगा इट्स ऑल गन अ प्ले आउट एक्जैक्टली लाइक इट हैज हैजिन प्लेइंग आउट फॉर यू फॉर द लास्ट ईयरस एंड ईयर्स कुछ नहीं बदलेगा स्टॉप डूंग द सुपर थिंग्स सही चीजें हो जाएगी एंड ट्राई टू स्ट्रक्चर आउट थोड़ा बहुत बाकी शेडूलिंग कैसे करनी है क्या नहीं करना नेक्स्ट वीक हम कने भी अपलोडिंग वीडियो ऑन दिस आपने किस तरह आपका एक शेड्यूल बना है एंड एक्सट्रीमली एक्स्ट्रीमली वैल्यूबुलॉर यू गाइज स्पेशली इफ यू आर रनिंग एन एजेंसी या फिर अगर आप एक फील आंसर भी हैं एंड आपने दिन को शेड्यूल आउट करना है या फिर अगर आप यूनी में है ना अपना टाइम मैनेज करना है

एंड थर्ड थिंग इज दैट कि अगर आपने मेरे साथ इंटरेस्ट रहना है अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी क्वेश्चन आंसर हो जाए फॉलो मी और इंस्टाग्राम वहां पर डी एम कर दो या फिर टिकटॉक पर फॉलो कर दो वहाँ पर वीडियो अपलोड वगैरह हर जगह करते रहते हो एंड आई एम वेरी ऑन दिस प्लेटफॉर्म टिकटॉक एंड इंटाग्राम आई वीली होप कि यू गैस गॉट एल आउट ऑफ वैली फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच वॉचिंग लाफिस